खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। इसका जीता जागता मामला छतरपुर शहर के सिंधी कॉलोनी में देखने को मिला। बीती शाम सिंधी कॉलोनी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसे लेने के लिए स्वास्थ्य अमला कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए आया, लेकिन कोरोना मरीज के परिजनों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सहयोग करने से मना कर दिया। मजबूरन पुलिस को परिजनों में कोरोना वायरस रोकने के लिए दीवार फांदकर चोरों की तरह घर के अंदर जाकर कोरोना मरीज को बाहर निकालने के बाद अस्पताल भेजा गया। वहीं परिजनों को काफी समझाइश के बाद कोरोना सैंपल लिए गए। सर, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं, कल प्रशासन की टीम रात में गई थी, कहाँ गई थी, किस तरीके के प्रयास से लोगों को निकाला गया? कल ये जो टीम थी सिंधी कॉलोनी गई हुई थी, जैसे मेरे साथ में सीएसपी साहब और डीएसपी कोचर और राजस्वी गौरव और टीम के अन्य मेम्बर थे, सभी ने जाके उन लोगों को बताया। कई दिक्कत अकेले पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल भेजने के साथ साथ में दिक्कत ये भी आ रही है कि जो लोग की सैंपल होने वो सैंपल देना नहीं चाहते, उसकी वजह ये है कि सैंपल होगा और सैंपल कहीं पॉजिटिव निकला है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो अपनी बीमारी छुपाने में ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। सर, कैसे प्रयास किया आप लोगों ने निकालने में, क्या करना पड़ा? हमने प्रयास किया कि पूरे पुलिस बल के साथ में सीएसपी साहब सभी लोगों ने मिलकर उनको बाहर निकलवाया, जो जवान थे उनको अंदर भेजा करके अंदर उनको घर से बाहर निकलवाया। कैसे पहुंचे थे अंदर? गेट के ऊपर से जाकर पहुँच कर ये उनको निकाला गया, तो वैसे तो गेट खोल ही नहीं रहे थे, लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो मेरी ये सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में सहयोग दें और इस तरह की भ्रांति फैली हुई है कि वहाँ यहाँ घर में रहकर ठीक हो जाएंगे, बात सही नहीं है। घर में रहकर ठीक नहीं होंगे, बल्कि घर के जो सदस्य संक्रमित नहीं उनको और संक्रमित कर देंगे, तो जो समस्या है वो अभी अगर एक गुनी है तो 10 गुनी हो जाएगी। इसको समझें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और मोहल्ले की सुरक्षा के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए सभी लोग तत्समय सहयोग दें और जो उनको प्रशासन के द्वारा डॉक्टर टीम के द्वारा जो दी जा रही परामर्श उसका पूरा पूरा पालन करें। थैंक यू सर।